डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें तो हेडफोन लगा लें कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का हेलो दोस्तों मेरा नाम हसन है और मैं पश्चिम बंगाल का रहने वाला हूँ मैं एक पुलिस इंस्पेक्टर हूँ और अपने काम को बड़ी शिद्दत से करता हूँ लोगों को पुलिस वालों पर भरोसा होना चाहिए मैं ये मानता हूँ लोग हमें काफ़ी ताकतवर समझते हैं और उन्हें कभी कभी ये भी लगता है कि हम अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है हमें यह पहचानना पड़ता है कि कौन मुजरिम है और कौन साधारण इंसान मुजरिमों को पकड़कर जेल तक पहुंचाना हमारा काम होता है उनसे दुश्मनी बनाकर रखना हमारा काम नहीं होता हम नहीं चाहते कि कोई मुजरिम है और उसे हम सज़ा दें हमारा काम होता है बस उसे पकड़ना और कोर्ट तक लेकर जाना और कोर्ट तय करता है कि उसे सजा मिलनी भी चाहिए या नहीं हम सही हैं या गलत हैं ये कोर्ट डिसाइड करता है हम डिसाइड नहीं करते और कभी कभी हमें सख्ती दिखानी पड़ जाती है और सामने वाला बेकसूर निकलता है और उसकी सज़ा भी हमें भुगतनी पड़ती है हमें सस्पेंड कर दिया जाता है या हमारा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है मैं पिछले पाँच सालों से ये काम कर रहा था कभी मेरी ट्रांसफ़र नहीं हुई थी मैं अपने काम से बहुत ज़्यादा खुश था लेकिन एक मुजरिम को पकड़ने के लिए जब मैं उसके घर गया वो भागना शुरू हो गया मैं उसका पीछा करने लगा बहुत समय से मैं उस पर नज़र रख रहा था लेकिन भागते भागते वो डर गया और सड़क के किनारे की तरफ भागा सामने से आ रहा ट्रक उससे टकरा गया उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लगी और बाद में उसने कह दिया कि मैंने पीछे से धक्का दिया था मैं तो उससे बहुत ज़्यादा दूर था उसका पीछा कर रहा था वहां दस पंद्रह लोग थे और उन्होंने भी कहा कि मैं तो काफ़ी दूरी पर था लेकिन उसके बाद आगे जहां खाली जगह थी वहाँ वो ट्रक से टकराया उसे चोट लग गई और मुझे कोर्ट में फटकार पड़ गई मेरी ट्रांसफर हो गई थी मैंने अपना काम इतना शिद्दत से किया था उसके बाद भी ट्रांसफर सहनी पड़ी कोई बात नहीं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी अच्छे से काम करूँगा ये सोच कर मेरी एक छोटी सी पुलिस चौकी में ट्रांसफर हो चुकी थी वहाँ का इंचार्ज मुझे बनाया गया था और ये एक ऐसी जगह थी जहाँ क्राइम काफी ज्यादा हो रहे थे और पकड़ा किसी को नहीं जा रहा था ये सुनकर मैं बहुत ज्यादा चौकन्ना सा हो गया कैसे मैंने वहाँ स्पेशल मीटिंग बुलाई थी चौकी के आसपास जितने भी पुलिस वाले थे उन सबको वहां पर बुलाया और उनसे पूछा आखिर जो जंगल में गुम हो जाते हैं उन्हें ढूंढा क्यों नहीं जाता ये केस हमेशा के लिए खुले क्यों रहते हैं तो उन्होंने बताया इस जंगल में कोई ऐसी शैतानी शक्ति है जो लोगों को गायब कर देती है उसके बाद उनके नाम निशान तक नहीं मिलते सौ साल पहले की कहानियाँ तक सुनने को मिली हैं कि लोग यहाँ पर गायब हो जाते हैं दोबारा कभी नहीं मिलते इसीलिए इस जंगल में बहुत कम लोग जाते हैं भूला भटका जब इस जंगल के अंदर कोई चला जाए वापस नहीं आता ये सुनकर मुझे उन सब पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था ऐसी बचकानी बातों पर वो यकीन करते हैं वो बच्चे थोड़े ना थे पुलिस में थे और पुलिस वाले ऐसी बातों पर यकीन कर ही नहीं सकते भूत रहस्य इन चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए और सच सबके सामने लाना चाहिए मैंने उनसे कहा मैं उस जंगल में जाऊंगा। वो मुझे मना कर रहे थे डरा रहे थे कि शैतानी शक्ति मौजूद है उस जंगल में लेकिन मैं जाना चाहता था और उस जंगल के अंदर जाने का रास्ता वो था उस गाँव के बीच से निकल जाना और उस गांव का सरपंच जिसकी बड़ी सी हवेली सबसे पीछे बनी हुई थी उसने जंगल के अंदर जाने वाला वो रास्ता बंद कर रखा था मैं सीधा उस सरपंच के घर पहुंच गया और उससे पहले प्यार से बात कर रहा था पहले तो उसके बारे में जानना चाहता था आखिर वो कब से यहाँ रह रहे हैं ये गांव कब से बसा हुआ है और यहाँ दीवार क्यों की गई है वो बड़े आराम से मुझे बता रहा था कि ये गांव 200 से 300 साल पुराना है बहुत पहले से ये गांव बसा हुआ है अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है कब से उनके जो परिवार वाले हैं यहीं पर रहते हैं और गांव वालों का पालन पोषण करते हैं पीछे वाले जो जितने भी खेत हैं वहाँ पर खेती की जाती है जो पैसे आते हैं उन्हें गाँव वालों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो जो सरपंच था बातों में बहुत अच्छा प्रतीत हो रहा था उसके बाद मैंने उससे कहा वो पीछे वाली दीवार उसे क्यों किया हुआ है पीछे जंगल में जाने का रास्ता आप इस तरह से बंद नहीं कर सकते तो उसने कहा बंद करना पड़ता है लोगों को मैं मरने नहीं दे सकता मैंने उससे कहा मरने नहीं दे सकते देखिए वहाँ से जानवर इस तरफ आ सकते हैं आपको बड़ा बना लेना चाहिए इस तरह बड़ी दीवार आप नहीं बना सकते तो उस सरपंच ने जो कहा था मैं तो सुनता रह गया था उसने कहा जंगल से कोई यहाँ नहीं आता हमें किसी का डर नहीं है हमें डर है कि यहाँ से जंगल में ना कोई चला जाए जंगल से वापिस बचकर कोई नहीं आ पाता मैं उससे जानना चाहता था आखिर ऐसा क्यों अब इस कहानी को सरपंच के सिवा कोई बता ही नहीं सकता था क्योंकि ये कहानी इस गाँव से जुड़ी हुई थी उस सरपंच से जुड़ी हुई थी मैंने उसे कह दिया था कि मैं यहाँ का नया इंस्पेक्टर हूँ और चौकी का नया इंचार्ज हूँ मैं सब जानने का हकदार हूँ क्या आप इस कहानी को शुरू से बताएंगे तो उसने कहा मैं भी शुरू से नहीं बता सकता इस हवेली के पीछे एक गोदाम सा बनाया हुआ है जहाँ किताबें पुराना सामान एंटीक सामान जो दादा परदादा का है वो रखा गया है वहाँ पर कई किताबें रखी गई हैं अब उन किताबों में यहाँ जंगल में घटी घटनाओं के हर राज दबा कर रखे गए हैं जो मुझे भी पढ़ने नहीं दिए गए मेरे पिता को भी पढ़ने नहीं दिए गए वहीं पर ये राज दफन है लेकिन कुछ कहानियां जो मैंने भी सुनी है अपने दादा के मुंह से अधूरी कहानियां वो मैं आपको बता सकता हूँ मैंने कहा ठीक है बताइए तो उन्होंने बताना शुरू कर दिया इस गांव में सौ साल पहले कोई बुरी घटना घटी थी एक शैतान था जिसे कैद किया गया और उस शैतान के पास बहुत ज्यादा शक्तियाँ थी कहते हैं कि उस शैतान की शक्तियाँ अभी भी इस जंगल में मौजूद हैं दोबारा कभी किसी ने उस शैतान को नहीं देखा लेकिन जंगल के अंदर जाने के बाद कौन कहाँ से गायब हो जाता है कोई नहीं जानता इस कहानी को बस इतना ही मुझे बताया गया इस कहानी के कोई और राज कोई और घटनाएं जंगल के अंदर घटी वो खौफनाक घटनाएं सारी उस गोदाम में रखी किताबों में दफन थी और वहाँ मुझे जाने नहीं दिया गया मैं सरपंच को साफ साफ कह चुका था जब मुझे जंगल के अंदर जाना होगा मुझे कोई रोक नहीं सकता और सरपंच ने भी कहा था अगर आपको मरना है तो आप अभी जा सकते हैं मैं रोकूंगा नहीं लेकिन दीवार को तोड़वाया नहीं जाएगा दीवार को ऐसे ही रखा जाएगा ताकि बिना हमारी इजाज़त के इस दीवार के पार कोई ना पहुंच पाए मैं अब क्या कह सकता था जब समय आएगा जाने का मैं जाऊंगा ही इससे इजाज़त थोड़े ना लूंगा मैं अब मुझे कोई और रास्ता ढूंढना था यहाँ छोटी छोटी पहाड़ियाँ सी बनी हुई थी इसीलिए जंगल में जाने का सबसे आसान रास्ता यही था अब मैं यहाँ से तो जा नहीं सकता तो मुझे और रास्ता ढूंढना होगा लगभग पंद्रह किलोमीटर दूर मुझे जाना पड़ा था और वहाँ पर एक और गांव बसा हुआ था अब उस गांव में जाकर मैं ढूंढना चाहता था सही रास्ता और गांव वालों से इजाज़त ना लेनी पड़े जैसे ही मैं उस गांव में पहुंचा, ज्यादातर उस गांव में जैसे आदिवासी लोग रहा करते थे और उनके पूजा पद्धति के तरीके भी कुछ अलग से थे वहां पर एक बरगद का पेड़ लगा हुआ था और मुझे उस बरगद के पेड़ के पास ले जाया गया मैं उस बरगद के पेड़ को देख हैरान था पहली बार ऐसा बरगद का पेड़ देखा था जिसके नीचे जैसे दरवाजा बना हुआ था ये पेड़ ने जैसे खुद बनाया था उसी लकड़ी का बना हुआ बिल्कुल दरवाजे जैसी शेप नीचे गोल गोल लकड़ी का कुंडा भी बना हुआ आखिर कुदरत कितनी कमाल की चीज़ें बना देती है वो गांव वाले उस बरगद के पेड़ को पूजते थे वहाँ हर हफ्ते पूजा की जाती थी मैंने उनसे पूछा आखिर इस पेड़ की इस दरवाजे की पूजा क्यों की जाती है तो उन्होंने बताया कि लगभग सौ साल पहले कहते हैं कि इस बरगद के पेड़ के इस दरवाजे को खोलकर कुछ लोग बाहर निकले थे मैं ये सुनकर हैरान सा हो गया ऐसा कैसे हो सकता है आखिर ये तो साधारण पेड़ है यहाँ से कोई बाहर नहीं निकला होगा मेरी ये बातें सुनकर वो घूरने लगे थे उन्हें अपने दादाओं परदादाओं पर यकीन था उन्होंने जो कहा वो सच है तो मैंने भी सर झुका दिया और वहाँ पर मैं भी माथा टेक कर आगे बढ़ने लगा आखिर उनसे कौन लड़ता इसीलिए मुझे अब उस जंगल में आगे जाने का रास्ता उनसे पूछना था और वो बहुत इज्जत से मुझे आगे जाने का रास्ता बता रहे थे लेकिन इसी के साथ ये भी कहा ये जंगल खौफनाक है इसके राज खौफनाक हैं आप यहाँ जाएंगे वापिस लौट कर नहीं आएंगे अब इस तरफ के गांव वाले भी वैसी ही कहानी बता रहे थे कि यहाँ जो जाता है वापस नहीं आता जो खो जाता है वो हमेशा के लिए गायब हो जाता है लेकिन उन्होंने इजाज़त दे दी थी कि मैं आगे जा सकता हूँ और मुझे लगा अपने साथियों को आगे लेकर क्यों जाना मेरे पास तो पिस्टल है ना तो मैं सीधा उस जंगल में घुस गया वहाँ कई रास्ते बने हुए थे साफ लग रहा था इस जंगल में लोग जाते तो हैं लेकिन किसी और को जाने नहीं देते अब मैं थोड़ा सोच में पड़ गया था कहीं यहाँ पर कोई इलीगल काम तो नहीं होता कहीं यहाँ लोग मुझ पर हमला ना कर दें यहाँ लोग गायब हो जाते हैं ऐसे इलाकों में नशा तस्करी वाले छिपे होते हैं जो लोगों को गायब कर देते हैं मार देते हैं और यहीं पर दफना देते होंगे ध्यान रखना होगा मैंने हाथ में पिस्टल पकड़ी हुई थी और मैं जंगल के अंदर वक्त शाम का हो चुका था वहाँ अंधेरा बढ़ने वाला था लेकिन मैं हाथ में टॉर्च लिए पहले कुछ इलाकों को निशाने के तौर पर संभाल कर याद रखना चाहता था इसीलिए ख़ास पेड़ों पर मैंने छोटी छोटी निशानियाँ लगा दी कि मैं इस तरफ से आया हूँ आगे बढ़ते बढ़ते ऐसा लगने लगा जैसे ये पेड़ सालों से यहाँ पर लगे हों और कोई यहाँ आता ना हो यहाँ जो रास्ते बने हुए थे उसके नीचे की मिट्टी को हाथ लगा कर देखा मैंने वहां पर घास उगती ही नहीं थी मिट्टी जैसे पत्थर के साथ गूंद कर वहां पर बिछाई गई हो बिल्कुल सड़क की तरह यहाँ घास उग ही नहीं सकता काफी पहले यह सड़क बनाई गई होगी और किसी समझदार ने बनाई होगी जंगल के अंदर सड़क मैं अब चलता चलता जंगल के काफी अंदर तक चला गया था तीन चार किलोमीटर तो मैं आराम से चल चुका था और वक्त आठ बजे का हो गया अंधेरा बहुत ज़्यादा था लेकिन सब कहते हैं कि यहाँ से जानवर बाहर नहीं आते तो यहाँ जानवर शायद कम ही हों लेकिन अंदर से इंसान भी बाहर नहीं आते इस राज को मुझे सुलझाना था सबसे पहले वहाँ एक नदी आई और उस नदी का पानी कांच की तरह था ऐसा नहीं लग रहा था कि वो नदी बह रही हो ऐसा लग रहा था कि वो तालाब हो जिसका पानी बिल्कुल सीधा खड़ा हुआ था जैसे ही मैंने उस पानी में हाथ डाला मेरा हाथ खिंचने लगा था तब महसूस हुआ इस नदी का बहाव कितना तेज है लेकिन ऐसा लग ही नहीं रहा कि पानी बह रहा है देखने में जैसे भ्रम पैदा कर रही थी वो नदी अब दूर से मुझे जंगल के बीच एक बड़ा सा किला नजर आया ये पुराना खंडहर सा किला लग रहा था जिसे देखकर मेरे होश उड़ गए आखिर जंगल में किला बना हुआ है और वो भी इतना पुराना और लोग यहाँ आने से डरते हैं इसे देखकर तो लोग खास तौर पर भीड़ बनाकर यहाँ देखने के लिए आएंगे टूरिस्ट की संख्या बढ़ सकती है इससे तो ये गांव भी काफ़ी तरक्की कर सकते हैं गांव वाले ये समझ क्यों नहीं रहे मैं सीधा उस किले की तरफ बढ़ने लगा था मैं देखना चाहता था क्या कि इस किले में कोई छिपा हुआ तो नहीं क्या इस किले के साथ कोई राज जुड़ा हुआ तो नहीं जब मैं उस किले के पास पहुंचा, उसकी कई दीवारें ढह चुकी थी टूट चुकी थी उन रास्तों से किले के अंदर जाया जा सकता था जब मैं किले के अंदर पहुंचा, वहां एक कमरे से रोशनी निकल रही और मैं चौकन्ना सा हो गया ऐसा लग रहा था किसी ने जैसे ट्यूबलाइट जलाई हो रोशनी बाहर की तरफ आ रही हो पूरे किले को थोड़ा थोड़ा रोशन किया हुआ था उस कमरे ने मैं पिस्टल हाथ में ली बस आगे बढ़ रहा था और टॉर्च मैंने बंद कर दी ताकि किसी को पता ना चल जाए धीरे धीरे मैं पत्थरों की आड़ लेते हुए आगे बढ़ता गया और ध्यान इस बात का था किसी की नज़र में ना आ जाऊं भले ही अंधेरा था लेकिन अगर किसी ने पकड़ा मैं भी गायब ना हो जाऊं धीरे धीरे चलता चलता उस कमरे के नज़दीक गया था मैं जब मैंने उस बड़े कमरे के अंदर झांका, ये ट्यूबलाइट नहीं थी एक बड़ा दरवाजा जिसके पीछे से आ रही रोशनी क्या यहाँ इस कमरे के पीछे एक और कमरा है वहाँ पर ट्यूबलाइट लगी हुई है ये आंखें चुंधियाने वाली लाइट थी जो उस दरवाजे की छोटी छोटी दरारों से बाहर निकल रही थी मैं जब उस दरवाजे के सामने खड़ा हो गया ये बिल्कुल वैसा दरवाजा लग रहा था जैसा दरवाजा मैं पहले उस बरगद के पेड़ के ऊपर बना हुआ देख आया था बिल्कुल हु बहू वैसा ही लेकिन यहां दीवार पर चिपकाया गया था मैं बिल्कुल शांत था उस दरवाजे के पीछे से भी आवाज नहीं आ रही थी पिस्टल मैंने सामने तान दी थी और उस दरवाजे को खोला सामने से रोशनी आंखें चुंधियाने वाली थी ऐसा लग रहा था हजारों ट्यूबलाइट हजारों बल्ब वहां पर लगा रखे हूं अब आँखें चुया रही तो मैंने आंखें थोड़ी सी भींच ली और कदम मैंने आगे बढ़ाए जैसे ही मैं आगे बढ़ाता गया कदम वो रोशनी जैसे आंखों के पर्दों को चीर रही हो मेरी पलकों के पार आ रही हो उसके बाद जैसे ही धम की आवाज़ आई मैं चौकन्ना सा हो गया मेरे पीछे वाला वो दरवाज़ा बंद हो चुका था और आंखों के सामने अंधेरा अंधेरा सा मुझे लगा यहाँ रोशनी थोड़ी कम हो गई होगी फिर मैंने जब आँखें खोली अंधेरा ही अंधेरा था ये कमरा अंधेरा है मैं फंस तो नहीं गया जल्दी से मैं दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगा दरवाज़ा खुल नहीं रहा था मुझे लगा मैं फंस गया शायद यहाँ और लोग भी फंसते होंगे जल्दी से मैंने टॉर्च निकाली और टॉर्च इधर उधर कमरे में मारने लगा ये कमरा नहीं था आसपास मुझे पेड़ नज़र आए मैं पेड़ों को कभी इधर से देखता कभी उधर से फिर मैंने दरवाज़ा खोलने के लिए जैसे ही दरवाजे पर टॉर्च की रोशनी मारी मेरी आँखें फट गई थी ये दरवाज़ा किसी दीवार पर बना हुआ नहीं था बिल्कुल वैसा बरगद का पेड़ जैसा मैंने गांव में देखा था मैंने हाथ भी लगाया वो पेड़ ही था पीछे दीवार गायब हो चुकी थी मैं उस पेड़ के पीछे गया दीवार को देखने के लिए लेकिन दूर दूर तक कोई दीवार मौजूद ही नहीं मेरे होश उड़ गए जैसे मैं उस कमरे का दरवाज़ा खोल कर कहीं और ही पहुँच गया अब मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था और वक्त भी बहुत ज़्यादा हो गया था मुझे लगा यहाँ जंगल से मुझे बाहर निकलना होगा कहीं वो बातें सच हुई तो कहीं भूत प्रेत की वो रहस्य की बातें सच हो रही हों तो मैं फँस ही ना जाऊं जब आप किसी चीज़ पर यकीन नहीं करते आपका दिमाग हट करने लगता है लेकिन जब आँखों के सामने सच्चाई आ जाए और नए रहस्य खुल जाए आपका दिमाग सोचने की क्षमता खोने लगता है और मेरा दिमाग भी सोचने की क्षमता खोने सा लगा था तथ्य हमेशा आपकी सोच बदल सकते हैं आपके सोचने का तरीका बदल सकते हैं और तथ्य मेरे सामने थे ये पेड़ दीवार का पेड़ बना और दरवाज़ा वैसा जो खुल नहीं रहा यह कोई दरवाज़ा नहीं रह गया था ये पेड़ का हिस्सा था बिल्कुल वैसा मैंने वो टॉर्च इधर उधर मारनी शुरू की और नीचे मुझे रास्ता नजर आया ये रास्ता आगे बढ़ने का था मैं जैसे जंगल में ही था उसके बाद आसपास लाइट मारते मारते मैं आगे बढ़ता गया आवाजें लगाता गया आवाज़ लगाता लगाता दूर मुझे एक झोंपड़ा सा नज़र आया चांद की रोशनी में वो झोंपड़ा चमक रहा था उसके ऊपर चमकदार जैसे पत्तियां लगाई गई थी भागता हुआ मैं झोंपड़े के पास गया अब डर कम लग रहा था मुझे लगा मैंने किसी गांव को ढूंढ लिया शायद इस जंगल के बीच भी छोटे मोटे गांव बसे हों फिर भी मैं घबराया हुआ था और हाथ में मेरे पिस्टल थी मैंने सबसे पहले वो पुराना लकड़ी का दरवाज़ा खटखटाया जो उस झोंपड़े पर लगा हुआ था ये टेढ़ी मेढ़ी फट्टियों से बना हुआ दरवाज़ा लग रहा था मैं दरवाजे को खटखटाता रहा खटखटाता रहा और उसके अंदर से एक आदमी बाहर निकला उसने एक धोती सी पहन रखी थी और मुझे देखते वो एकदम हड़बड़ा कर दरवाजा बंद करके अंदर से आवाज लगाने लगा चले जाओ यहाँ से चले जाओ यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है भागो यहाँ से मैंने कहा मुझे मदद चाहिए मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहता हूँ क्या इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता यही है वो गुस्से में कहता रहा देखो भागो यहाँ से तुम्हारी यहां पर कोई जगह नहीं है यार कहाँ से आ जाते हो बार बार तंग करते रहते हो ये कहकर वो झोंपड़े के अंदर चला गया दो तीन बार मैंने फिर से आवाजें लगाई थी लेकिन वो झोंपड़े से बाहर ही नहीं आया तो मुझे लगा मैं उसे तंग क्यों करूं आगे की तरफ बढ़ता हूं थोड़ा सा मैं आगे चला था आगे मुझे एक झोंपड़ा और नजर आ गया एक पेड़ के पीछे ये झोंपड़ा बना हुआ था और अंदर से जैसे थोड़ी सी रोशनी निकल रही शायद किसी ने दिया जलाया होगा मैं उसका दरवाज़ा खटखटाने लगा अब ये जो दरवाज़ा था ये झाड़ियों और फट्टियों को मिलाकर बनाया गया था कच्चा सा था ठक ठक की आवाज़ तक नहीं कर रहा मैं कंधे का धक्का मारता तो वो दरवाज़ा आसानी से टूट सकता था फिर भी मैं दरवाजे को हल्का हल्का पत्थर से खटखटाता रहा अंदर से आदमी बाहर आया और मुझे देख कर भौचक्का सा हो गया फिर उसकी नज़र मेरे सर से लेकर मेरे पाँव तक गई जैसे मेरे कपड़े देख रहा था तब उसे पता लग गया होगा मैं पुलिस वाला हूँ फिर भी उसने मुझे देख दरवाज़ा बंद कर लिया और पीछे एक फट्टा फंसा लिया अब यह दरवाज़ा अंदर की तरफ मुड़ भी नहीं रहा था शायद अपने बचने के लिए उसने ये तरकीब लगाई थी मैं आवाज़ लगाता रहा खोलो दरवाज़ा मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है उसने कहा कोई बात नहीं करनी भागो यहां से कहां से आ जाते हो मुंह उठा उठा कर चले जाओ यहां से फिर मैंने गुस्से में उससे कहा मैं पुलिस वाला हूं देखो तुम पर एक्शन ले सकता हूं मुझे मदद की ज़रूरत है मुझे तुमसे बात करनी है तो उसने कहा हम नहीं मानते पुलिस को भारत छोड़ो अंग्रेजों भारत छोड़ो चले जाओ यहाँ से तुम गुलाम हो उनके जब उसने ये कहा मैं सोच में पड़ गया अजीब पागल इंसान है कौन से अंग्रेजों भारत छोड़ो अंग्रेज तो कब के भारत छोड़ चुके हैं मैं उस घर से भी दूर निकल आया मैं हैरान और परेशान था जाता तो जाता कहाँ उसके बाद मेरी नजर सामने एक कुएं के पास पड़ी आसपास कई घर बने हुए थे वहां उन घरों के ऊपर जैसे लोहे की तारें लगाई गई थी झोंपड़े के चारों तरफ तारें ही तारें खिड़कियों पर तारें और उस कुएं के पास ढेर सारा मांस पड़ा हुआ ऐसा लग रहा था कई जानवरों को काट कर छोटे छोटे टुकड़े मांस के वहां पर ढेरी बनाकर रखे हों और पास थोड़ी सी आग जलाई हुई थी उन्होंने मैं अब चलता चलता उस मांस की ढेरी के पास जा रहा था मैंने पिस्टल हाथ में रखी हुई थी और बहुत ज़्यादा घबराया हुआ तभी मेरी नज़र पड़ी उस कुएं के पीछे से चलकर आते एक आदमी पर धीरे धीरे उसके कदम पड़ रहे थे और ज़मीन पर भारी भारी आवाज़ सी आ रही जैसे उसका वज़न 500 किलो से भी ज़्यादा हो उसका पांव ठप ठप करके पड़ रहा और वो ध्वनि गूंज रही थी चारों तरफ के घरों के उन दीवारों से टकराकर। मैं उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबराया जब पास में लगी उस आग में उस आदमी का चेहरा नजर आया उसका कद तो सात फुट था लेकिन उसके पूरे शरीर पर बाल ही बाल उसके मुंह पर भी बाल थे और उसकी बड़ी बड़ी आँखें उसके वो भयानक से दांत। ये ऐसा लग रहा था जैसे इंसान और भालू के मिलन से बना हुआ कोई शक्तिशाली इंसान हो उसने वो मांस पकड़ा और खाने लगा वो इतनी तेजी से उस मांस को खा रहा था कि मैं देखता ही रह गया फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ गई और मुझे देखते ही वो मेरी तरफ बढ़ने लगा उसे देख मन में भैंसा पैदा हो रहा था तो मैंने उसकी तरफ पिस्टल की और मैंने उसे साफ कह दिया रुको वहीं पर अगर तुम इस तरफ बढ़े तो मैं गोली चला दूंगा वो रुक नहीं रहा था उसकी वो अजीब सी आवाज ये आवाज़ लगाता हुआ वो मेरी तरफ बढ़ने लगा था मैं घबराने लगा था मुझे लगा कहीं ये कोई भूत ही तो नहीं मैंने एक बार और उसे वार्निंग दी थी देखो मैं गोली चला दूंगा इस तरफ मत बढ़ो वो मेरे काफी करीब आ गया और तब मुझे लगा बचने के लिए गोली चलानी होगी मैं कई बार वार्निंग दे चुका हूँ इस बार गोली उसके पाँव में चलाऊंगा मैंने पहली गोली मारी उसके पाँव में गोली तो उसके पाँव में लगी लेकिन उसे दर्द नहीं हुआ उसके कदम नहीं रुके वो बढ़ता रहा और उसकी वो भयानक आवाज मुझे और ज्यादा डरा रही थी आ, आ, आ। अब मैंने उसकी दूसरी टांग पर भी गोली मारी थी लेकिन अब उसकी रफ्तार तेज होने लगी थी वो मेरे करीब आने लगा था मैं अब पीछे हटता गया और उसके सीने पर गोलियां चलाता गया उसे दर्द तक न हो रहा था और मैंने ध्यान से देखा जब वो गोली उसकी छाती से टकराई थी तो वो गोली छाती से टकरा कर ज़मीन पर गिर गई थी छाती को भेद ही नहीं पाई थी वो गोली को भी रोक सकता था क्या चीज़ है ये मैं पीछे की तरफ भागना शुरू हो गया और वो मेरा पीछा करने लगा वो काफ़ी करीब ही था तब मैंने देखा है घर के दरवाजे को मैं खटखटाया और घर से कोई बाहर ना आया दो दरवाज़ों को और खटखटाने के बाद मैं समझ गया कोई मेरी मदद नहीं करेगा सच में यहाँ पर कोई कोई भूत है जो सबको मार देता है और शायद आज मैं नहीं बचने वाला यही है जो सबको मार देता है मैं अभी एक घर के पास पहुँचा था और दरवाज़ा खटखटाया आया था मैंने वो मेरे पीछे ही था मुझे मारने के लिए आ रहा था और उसके बड़े बड़े वो पंजे वो मुझे चीर डालता तभी उस घर का दरवाज़ा खुला और एक बूढ़े आदमी ने मुझे अंदर खींचा जल्दी से उसने दरवाज़ा लगाया और उसके आगे फट्टे लगा दिए मुझे वो कहने लगा था जल्दी मेरी मदद करो ये फट्टे फंसाने हैं वरना वो अंदर आ जाएगा जल्दी से फट्टे फंसाओ उसने वो फट्टे फंसाने शुरू किए मैंने भी मदद कर दी वहाँ भारी चीज़ें थी मैं दरवाज़े पर लगाता गया और वो क्या था धक्का दे रहा था दरवाज़ा टूटने की कगार पर था वहाँ पीछे रखे फट्टे भी वो इस तरह से बिखर रहे थे जैसे वो अभी अंदर आ जाएगा उसके बाद वो भाग कर अंदर गया एक लकड़ी की मूर्ति लेकर आया जो उसने दरवाजे पर रख दी दरवाज़ा टूट गया था वो लकड़ी के हिस्से बिखर चुके थे टूटे हुए दरवाजे को चीर कर आसानी से वो अंदर आ सकता था लेकिन उस मूर्ति को देखकर वो घबराने लगा था डरने लगा था अपनी आंखें बंद करने लगा था उसकी वो चीख भी डरावनी थी ए, ए, आ, आ। उस चीख ने मेरी आंखें खोल कर रख दी थी वो आँखों पर पड़े हुए पर्दे जो आपको सच बताने नहीं देते वो पर्दे उठ चुके थे आँखों के सामने से इन चीज़ों पर यकीन करना ही होगा वो मूर्ति को देखकर डरता डरता वहाँ से भाग गया लेकिन बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टिक गई थी वो जैसे मुझे मारना चाहता था जब वो वहाँ से चला गया मुझे सांस चढ़ी हुई थी उस बूढ़े आदमी को सांस चढ़ी हुई थी फिर उसने मुझे पास में रखे फट्टे पर बिठाया और मेरे कपड़ों को देख कहने लगा कहाँ से आ जाते हो तुम क्यों यहाँ मरने के लिए आ जाते हो तुम्हारे बचने का रास्ता नहीं है क्या करें क्या करें तुम्हें रोकने के लिए समझ नहीं आता मैंने भी अपनी सांस को संभालते हुए उससे कहा मैं क्या करूं मेरा तो काम है ना लोगों को ढूंढना इसीलिए मैं इस जंगल में आया था ये जानने के लिए आखिर यहाँ पर क्या होता है क्या सच में यहाँ कोई शक्ति है या नहीं वो बूढ़ा आदमी मेरी आंखों की तरफ देखता रहा था और मुझे कहने लगा था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने भी बहुत बड़ी गलती कर दी जैसे बाकियों ने की अब तुम वापस नहीं जा पाओगे मैंने भी उससे कह दिया था मैं कोशिश करूँगा जब सुबह हो जाएगी ये यहाँ से दूर चला जाएगा मैं वापस चला जाऊँगा उसने कहा नहीं जा पाओगे यकीन करो नहीं जा पाओगे अब यहीं पर फंस जाओगे और इस घर में भी मैं एक रात रुकने दूंगा तुम्हें उससे ज्यादा रुकने नहीं दूंगा ढूंढ लेना अपने लिए कोई और आशियाना मैं उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पाया था लेकिन वो दूसरे कमरे में चला गया ये छोटा सा झोंपड़ा था काफी पुराना और बहुत कम चीजें पड़ी थी यहाँ पर पुरानी पुरानी पत्थरों से बनी हुई चीजें ज्यादातर रखी हुई थी पूरी रात वहाँ जागते हुए गुजारी थी मैंने दरवाज़ा टूटा हुआ था सामने रखी वो मूर्ति ही जैसे हमें बचा रही थी और मुझे बार बार लगता वो मुझे ढूंढने के लिए आ रहा है दूर से आ रही वो आवाज़ें बार बार मेरे कानों से होती हुई जैसे ही मेरे दिमाग में पहुंचती मैं घबरा जाता मैं डर जाता ऐसे शैतान को मैंने पहले कभी नहीं देखा था पूरी रात इसी तरह डर डर कर गुजारी थी मैंने और सुबह वो बूढ़ा आदमी उठकर आया और मुझे कहने लगा चले जाओ यहाँ से चले जाओ अब तुम बच चुके हो दिन हो चुका है चले जाओ यहाँ से वो मुझे धक्के देकर उस घर से बाहर निकाल रहा था फिर भी मैंने उसका धन्यवाद किया क्योंकि उसने मेरी जान बचाई थी वहाँ गिरी हुई गोलियाँ मैंने देखी थी जमीन पर वो पिचकी हुई थी कैसा था उसका शरीर जो ऐसी लोहे की गोलियों को पिचका सकता है मैं समझ ही नहीं पाया और वहाँ लोगों की भीड़ लगने लगी लोगों ने ज़्यादातर धोती पहनी हुई थी या खादी कपड़े पहने हुए थे काफ़ी कटे फटे से कपड़े कुछ लोगों ने जैसे पत्ते ही लपेटे हुए थे उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था ये सब आदिवासी से हों मैंने एक आदमी से बात करने की कोशिश की थी लेकिन वो चुप हो गया और बाकी सब इकट्ठे होकर कहते रहे तुम्हें यहाँ से जाना होगा तुम यहाँ नहीं रुक सकते चले जाओ यहाँ से यहाँ बहुत लोग आते हैं सब मारे जाते हैं और इल्ज़ाम हम पर लगता है यहाँ से दूर चले जाओ मैं उन्हें समझाना चाहता था लेकिन उन सब ने मिलकर मुझे गांव से बाहर निकाल दिया और उस बूढ़े ने मुझे ये जरूर कहा था आगे इस जंगल से निकलने का रास्ता है यहाँ से दूर चले जाओ अगर जिंदा रहना चाहते हो यहाँ तो मारे ही जाओगे वो शैतान जिसे सूंग लेता है उसे दोबारा पकड़ने की कोशिश ज़रूर करता है वो तुम्हें यहाँ मारने की कोशिश करेगा और हमारे पास बचने के लिए ज़्यादा मूर्तियाँ नहीं हैं और बनाने की ज़रूरत होगी हमें मैं अब उस जंगल से बाहर निकलना चाहता था मैं वापस पुलिस स्टेशन जाना चाहता था लेकिन जैसे जैसे मैं जंगल के और अंदर जाता गया मुझे पता लगता गया यहाँ सब कुछ बदला बदला सा है कोई निशानी नहीं मिली मुझे जिसके रास्ते मैं वापस घर पहुँच पाता लेकिन जंगल से बाहर निकलने का एक रास्ता मिला मुझे जैसे ही जंगल से मैं बाहर निकला सामने एक गांव दिख गया था पक्के मकान बने हुए थे अब उन पक्के मकानों को देख मुझे ऐसा लग गया चलो शुक्र है अब तो मैं बचा लेकिन वो गाँव के कुछ घर देखे देखे से लग रहे सामने वो बड़ी सी हवेली जिसे मैं पहचान पा रहा था लेकिन बिल्कुल नई सी ये तो वैसी हवेली थी ना जो पहले वाले गांव में मैं गया था उसके सरपंच की वो आगे वाली बड़ी हवेली के पीछे वो खंडहर पुरानी हवेली थी वैसी लग रही थी ये लेकिन बिल्कुल नहीं मैं भागकर अब सरपंच से मिलना चाहता था और ये भी सोच रहा था कहीं ये कोई और गांव ही तो नहीं कहीं मैं गलती से यहाँ तो नहीं आ गया जब उन गाँव वालों ने मुझे देखा मेरे कपड़े देख कर, सब जैसे वहीं ठहर गए थे तभी मेरी नजर पड़ी तीन अंग्रेज़ों पर जैसे वो विदेशी थे और पुराने जमाने के कपड़े जैसे कोई कॉस्ट्यूम पहन कर यहाँ घूम रहे हों, जैसे हो सकता है कोई प्ले चल रहा मैं अब सीधा उन अंग्रेज़ों के पास पहुँचा मैं जब उनसे बात कर रहा था उनसे पूछ रहा था आखिर ये कौन सी जगह है तभी वो मुझे छड़ी से मारने लगे थे वो मुझे बार बार मारते रहे और ये कहते रहे ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं जल्दी से उतारो तुम्हें पता है ना कॉलर वाले कोई भी कपड़े तुम पहन नहीं सकते उतारो जल्दी मैं उन्हें समझाने की कोशिश कर रहा और वो मुझे मारे जा रहे उन्होंने मेरी इस वर्दी को उतरवाया था मैं गुस्से में था कि एक बार पुलिस स्टेशन पहुंच जाऊं इन्हें तो जेल के चक्कर लगवाऊंगा आखिर ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पर हाथ उठाया था उन्होंने वहां खड़े जितने भी हिंदुस्तानी थे किसी ने मदद नहीं की मैं उन्हें पुकारता रहा लेकिन उन्होंने मदद ही नहीं की उन्होंने छड़ी से बहुत पीटा था वो तीन लोग थे उसके बाद मैंने कपड़े उतारे और मैं उनसे बात करने लगा कि मैं मैं पुलिस स्टेशन जाना चाहता हूँ और वो हंसकर वो इंग्लिश में बात किए जा रहे थे और बड़ी अकड़ से दिखा रहे थे मैं उनसे थोड़ा दूर चला गया क्योंकि वो हट्टे कट्टे थे मैं उनसे लड़ तो सकता था लेकिन वो तीन थे और मेरी मदद करने वाला कोई नहीं इन्हें सबक बाद में सिखाऊंगा। फिर मैं चलता चलता एक आदमी के पास गया मैं उसे कहने लगा कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना है आखिर ये कौन सा शहर है कौन सा गाँव है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा उसने गाँव का नाम बताया ये वही गाँव था जहाँ के सरपंच से मैं मिला था मैंने कहा अपने सरपंच से मिलाओ तो उसने कहा मैं सरपंच हूँ उसकी तरफ देखकर मैं कहने लगा तुम सरपंच कैसे हो सकते हो सरपंच से मैं कल मिल चुका हूँ वो सरपंच कोई और था वो मुझे समझाता रहा और मैं समझ ही नहीं पा रहा था तभी दूर देखा मैंने एक आदमी अखबार पढ़ रहा था ये बहुत पुरानी सी अखबार लग रही थी मैंने उसे देखकर ही कहा ये कैसे अखबार पढ़ रहा है बहुत पुरानी सी लग रही थी उसने कहा यहाँ नई अखबारें कम ही आती हैं एक महीने पुरानी अखबार आई है वो पढ़ रहा हूँ उस पर जो तारीख लिखी थी उसने मेरी आंखें खोल दी थी सच में 1920 की कोई अखबार इतनी नई नहीं, नहीं लग सकती मैंने घबराहट में उससे पूछा था ये तारीख कौन सी है ये ये साल कौन सा है उसने हंसते हुए कहा अखबार देख भी ली है पढ़ना भी आता है फिर भी समझ क्यों नहीं रहे ये उनतीस दिसंबर साल दो हज़ार बीस है अंग्रेज़ों वाला दो हज़ार बीस अब तो समझ गए ना ये सुनते ही मैं जैसे चकराने लगा था मुझे चक्कर आ गया और मैं वहीं पर गिर गया फिर दो तीन लोग आए उन्होंने मेरे मुंह पर पानी मारा तब जाकर मुझे होश आई और जब मुझे सब कुछ दोबारा याद आया मैं फिर से डर गया फिर से दिमाग चकराने लगा था और एक बूढ़े आदमी ने मुझे पानी पीने के लिए दिया पास में ही मैं औरतों को देख पा रहा था जो सब मुझे देखकर हैरान थी सब ये कहे जा रहे थे तुम कौन हो कहाँ से आए हो यहाँ की तो लगते नहीं ये कपड़े भी तुम्हारे अजीब हैं क्या किसी और देश से आए हो मैंने कहा मैं तुम्हें भारतीय नहीं लगता तुम्हारी जैसी भाषा बोल रहा हूँ मैं मैं यहाँ का हूँ लेकिन शायद तुम्हारे समय का नहीं हूँ कैसे हो गया ये बात सुनते ही वो बूढ़ा मुझे एक तरफ ले गया और कहने लगा ये शब्द दोबारा मत कहना अगर गांव वालों को भी पता लगा यहाँ से बाहर निकाल देंगे और ये बात जब उन अंग्रेज़ों को बताई जाएगी तुम्हें जेल ले जाया जाएगा पागलों वाली जेल में रखते हैं वो वो बिजली के झटके देते हैं जो जो पता है वो उगुलवाने की कोशिश करते हैं इन शब्दों को दोबारा मत बोलना मैं अब उससे जानना चाहता था मेरे साथ क्या हुआ है मैं तो साल 2023 से आया हूँ 1920 में कैसे पहुंचा क्या क्या है ये सब मेरा सर सच में चकरा रहा था और उसने मुझे कहा यकीनन तुमने कोई रास्ता चुना होगा कोई दरवाज़ा यहाँ जादुई दरवाजा है जिससे लोग इस समय में आते हैं तुम पीछे वाले गांव से आए होगे वहाँ से लोगों ने तुम्हें बाहर निकाल दिया होगा मैंने कहा हाँ हाँ रात को मैंने शैतान भी देखा था तब उस आदमी ने मुझे सच बताया यहाँ कई लोग उस दरवाज़े से यहाँ आ जाते हैं वो जैसे समय का कोई दरवाज़ा है जिससे आया तो जा सकता है वापस जाया नहीं जा सकता कई लोग वो तुम्हारे समय के या किसी और समय के यहाँ आते हैं फंस जाते हैं ज़्यादातर तो उस शैतान का शिकार बन जाते हैं जो जंगल में रास्ता ढूंढते हैं वो निर्दय गांव वाले गांव से बाहर निकाल देते हैं जो भी उस अलग समय से आया होता है और वो शैतान उसे मार देता है तुम बच गए तो इस जंगल से दूर चले जाओ बचने का कोई रास्ता नहीं वापस जाने का कोई रास्ता नहीं तुम इस समय में फंस गए हो जिंदगी को जियो जिंदा रहो और ये बात को अपने अंदर रखना हमेशा के लिए अब मुझे ये भी पता लग गया था कैसे लोग उस जंगल से गायब हो जाते हैं उन्हें वो किला दिखता होगा उस क़िले के अंदर का वो दरवाज़ा उसे पार करके वो यहाँ पहुँच जाते हैं और यहाँ पर मारे जाते हैं शिकार हो जाते हैं उसे शैतान का अंग्रेज़ों का या किसी जानवर के हाथों मारे जाते होंगे मैं उन्हें पूछता रहा था क्या कोई ऐसा है जो जिंदा है उन्होंने कहा अब तो शायद कोई नहीं होगा सभी मारे गए या जेल में होंगे बचने की कोशिश हर कोई करता है वो अपने समय में जाने की कोशिश करते हैं उसके बाद कहीं ना कहीं गलती करते हैं मारे तो जाते हैं मैंने उससे कहा था क्या सच में कोई रास्ता नहीं वापस जाने का मैं अपने समय में वापस जाना चाहता हूँ मेरा एक परिवार है मेरा मेरा एक बेटा है मैं उससे मिलना चाहता हूँ मैं यहाँ नहीं फंस सकता कोई तो रास्ता होगा ना कोई तो रास्ता होगा उसने कहा था कोई रास्ता नहीं है और मैं वहीं ज़मीन पर बैठ गया था अब क्या करूं? उसने कहा कुछ नहीं करना यहाँ से दूर चले जाओ ये जो गांव है ये हमारे हैं इसीलिए हमें तो यहीं रहना है वो शैतान रात को निकलता है शिकार के लिए इसीलिए हमें जानवरों का मांस यहाँ रखना पड़ता है यहाँ रहने वाले अंग्रेज़ों को भी ये पता है वो भी उन मूर्तियों को दरवाज़ों के पास रखते हैं ताकि उन दरवाज़ों को कोई पार ना कर सके जिसके घर में जितने ज़्यादा दरवाजे ज़्यादा मूर्तियाँ रखनी पड़ती हैं तब उन दरवाज़ों के पार नहीं वो पहुँचता लेकिन यहाँ भी वो शिकार कर लेता है अगर कोई गलती से बच्चा बाहर निकल जाए गलती से कोई एक मूर्ति कम रख दे वो उस रास्ते से अंदर आता है और उसे मारा नहीं जा सकता वो मरता ही नहीं ऐसा शैतान है जिसको कोई भी नुकसान नहीं होता जब से वो यहाँ पर दिखा है तब से मौत के मंजर नज़र आते हैं खिड़कियों से झांकते हैं हम जब वो इंसानों को दांतों से चीरता है फाड़ता है वो हड्डियाँ तक चबा जाता है वो ज़िंदा नहीं छोड़ता किसी को वो भूखा मांस का वो भी कच्चा मांस खाने के लिए आता है इसीलिए उसकी भूख मिटाने के लिए यहाँ कच्चा मांस रखते हैं आसपास के पंद्रह गांव उसके खौफ में हैं लोग रात को घरों से बाहर नहीं निकलते कोई सफ़र नहीं करते कोई मजबूरी में फंस जाए उसका शिकार बन जाता है मैं जानना चाहता था बचने का तरीका लेकिन किसी ने नहीं बताया मैं उसी गांव में था और अलग अलग लोगों से उसे शैतान की जानकारी पाता रहा दरवाज़े की जानकारी पाता रहा मुझे ये पता चल गया था कि उस दरवाजे से बाहर तो आया जा सकता है लेकिन उसके अंदर नहीं जाया जा सकता मैं अपने समय से सौ साल पीछे आ गया था मुझे अपने समय में वापस जाना था इसीलिए मैं उसी गांव की तरफ बढ़ा मैं सुबह सुबह चल पड़ा था और लगभग दोपहर से पहले उस गांव पहुंच गया लोग मुझे वहां से धक्के मारकर बाहर निकालना चाहते थे लेकिन हाथ में अगर पिस्तौल हो तो लोगों के होश उड़ जाते हैं जब ज़मीन पर दो गोलियां चलाई थी मैंने हर कोई पीछे हो गया था मैंने उनसे साफ साफ कह दिया था मैं उस पेड़ के पास जाना चाहता हूँ मैं उस दरवाजे को देखना चाहता हूँ वहीं से मैं आया हूँ वहीं से वापस जाने का रास्ता ढूंढूंगा। उन्होंने मुझे भीड़ में जैसे बीच में रखते हुए उस पेड़ के पास पहुंचने का रास्ता दिखाया था जब मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा, मैं उसे खींचने की कोशिश करने लगा धक्का देने की कोशिश करने लगा वो दरवाज़ा खुल ही नहीं सकता था वो तो पेड़ का हिस्सा था ना उसकी बनावट दरवाजे जैसी थी लेकिन वो पेड़ का तना था पेड़ का मुख्य भाग था मैं क्या करता कैसे जाऊँ उसके पार मुझे नहीं पता था मायूस होकर मैं वहीं बैठ गया और बार बार पिस्टल मैं अपनी गर्दन पर रख देता क्या मुझे मर जाना चाहिए मैं अपने समय में तो जा नहीं पाऊँगा क्या करूँगा बार बार मेरा मन करता खुद को गोली मारने के लिए लेकिन खुद को मैं रोक लेता मेरा बेटा मेरा इंतज़ार कर रहा होगा उसके पापा वापस आएंगे और मैं कोशिश ज़रूर करूंगा रोता रहा था मैं बहुत समय रोया था वही बूढ़ा आदमी मेरे पास आकर कहने लगा था बाकियों को चले जाओ चले जाओ मैं इससे बात करूंगा भेज दूंगा मैं ऐसे मुझ पर यकीन करो वो पूरी भीड़ तितर बितर हो गई थी उसके बाद वो मुझसे बात करके कहने लगा देखो रास्ता नहीं है रास्ता नहीं है चले जाओ जिंदा रहने का हक तुम्हें भी है वो शैतान तुम्हें मार देगा ये दरवाजे के पार तुम नहीं जा सकते ये आने का रास्ता है जाने का नहीं है मैंने कहा लेकिन मैं मैं तो उस किले के अंदर का दरवाज़ा खोलकर आया था ना ये पेड़ वाले दरवाजे में कैसे पहुंच गया और वहाँ भी पेड़ का दरवाज़ा था मेरे समय में लेकिन वो भी खुलता नहीं था और लोग कहते थे ना वहाँ से बहुत साल पहले कुछ बाहर आए थे लोग हो सकता है वो किला अभी मौजूद हो और बूढ़ा कहने लगा था नहीं किले में मत जाना किले में मत जाना किले में तो वो शैतान रहता है कैसे निपटोगे उससे जो मर ही नहीं सकता मार देगा तुम्हें हो सकता है दरवाजा वहां हो तुम्हारी बात तो सही लगती है अगर कोई इधर आने का रास्ता है तो कोई उधर जाने का रास्ता भी होगा अब मुझे एक बात का पता चल गया था पेड़ पर बना वो दरवाजा सिर्फ अंदर से ही खुलता है और उसका कोई काम नहीं यहां एक किला उसे जंगल के अंदर होगा और वहाँ मुझे वैसा ही दरवाज़ा ढूंढना है जो मुझे मेरे समय में ले जाए और उसके लिए मुझे उस शैतान का सामना भी करना होगा लेकिन आखिर ये दरवाज़े यहाँ पर कैसे आए और मुझे बचने के लिए और क्या क्या करना होगा मैं ये समझ नहीं पा रहा था मैंने पिस्तौल के दम पर उनसे एक वैसी ही मूर्ति ले ली थी जिससे वो शैतान डरता था ये जैसे किसी देवी की मूर्ति थी जिसके हाथ में फूल दिखाई दे रहे थे और उस फूल के ऊपर एक भयानक सा चेहरा जिसे उस देवी ने पकड़ा हुआ था इससे वो शैतान डरता है लेकिन क्यों इसके पीछे का रहस्य क्या है ये मुझे उन गांव वालों से जानने को नहीं मिला लेकिन पिस्तौल के दम पर मैं ज़िंदा गांव से बाहर भी आ गया था मूर्ति के साथ दोबारा मैं उसी गांव में पहुंचा जहां वो हवेली बनी हुई थी जब मैं उसके सरपंच से मिला वो आदमी मुझसे पहले बात नहीं करना चाहता था लेकिन पिस्तौल क्या क्या नहीं करवाती बात तो करनी ही पड़ी अब मैं पिस्तौल के दम पर ही इस समय के लोगों को धमकियां दे रहा था मैंने उनसे जानने की कोशिश की आखिर यहाँ पर क्या होता है कैसे होता है वो बताते गए कि यहाँ वो शैतान बहुत पहले से आया हुआ है जैसे किसी ने इन दरवाज़ों को बनाया और उसके बाद से ये शैतान यहाँ पर घूमना शुरू हो गया जब से इस बरगद के पेड़ के ऊपर ये दरवाज़ा निकला है तब से ही ये काम होने शुरू हो गए हैं मैं उस सरपंच को कह रहा था मुझे मदद चाहिए मैं उस किले में जाना चाहता हूँ वो बहुत ज़्यादा घबरा गया लेकिन वो अपने गांव की सुरक्षा करना चाहता था किसी को मेरे साथ भेजना नहीं चाहता था किसी तरह मैंने उसे मनाया और वो मेरे साथ जाने को तैयार हो गया वो खुद एक बीमारी से जूझ रहा था इसीलिए उसे पता था वह जल्द ही मर जाएगा लेकिन अगर मुझे वो मेरे समय में भेज पाए शायद उसकी मौत का एक छोटा सा मकसद मिल जाए इसीलिए उस रात वो मेरे साथ उस किले को ढूंढने के लिए निकला था हमें पहले तो ये पता करना था कि वो शैतान यहाँ ना हो जैसे ही वो शैतान नज़र आएगा हम उस मूर्ति का इस्तेमाल करेंगे और उससे बचने की कोशिश करेंगे लेकिन जब हम उस क़िले को ढूंढ चुके थे तब तक वो शैतान हमें नज़र नहीं आया यकीनन जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ रात को वो शिकार करने के लिए निकलता है उन गाँव में तो वो किले में थोड़े ना होता होगा किले में सबसे सुरक्षित जगह होती होगी रात के समय जब दुश्मन शिकार करता है उसे अपनी वो सुरक्षित जगह छोड़नी पड़ती है हम किले के अंदर पहुंच गए थे अब यहाँ दीवारें टूटी नहीं हुई थी अंदर जाने का कोई साफ रास्ता नज़र नहीं आ रहा हमें दीवार फांदने के लिए रस्सियों का इस्तेमाल करना पड़ा वो बहुत ऊंची ऊंची दीवारें थी पुराने ज़माने में इन दीवारों को कोई फांद ना पाई इतना ऊंचा बनाया जाता था और रस्सियाँ बहुत ऊपर ऊपर तक फेंकनी पड़ रही थी इस तरह उस किले के ऊपर चढ़कर हम अंदर पहुँच पाए थे और दो तो घंटे लग गए वहाँ वो शैतान नहीं आया अब हम उस किले में थे और मैं जल्दी से उस दरवाजे को ढूंढना चाहता था और रस्सियाँ वैसे ही लगा दी थी हमने ताकि वो बच जाए ऐसा ना हो कि मैं तो अपने समय में पहुंच जाऊं लेकिन वो बेचारा सरपंच मारा जाए इस तरह उस क़िले के अंदर वो बड़े दरवाजे को हम ढूंढ रहे और किले में रोशनी मेरी आंखें चुंधियाने लगी मैं समझ गया वो कमरे के पीछे वाला वो छोटा सा दरवाजा उससे रोशनी निकल रही होगी ये यकीनन मेरे मेरे समय में पहुंचा देगा मुझको जैसे ही मैं आगे बढ़ने वाला था पीछे वाली वो दीवार फट गई वो शैतान जिसने अपने नाखूनों से दीवार को फाड़ दिया था वो भी किले की कितना शक्तिशाली होगा वो उसने दीवार फाड़कर वैसा ही बड़ा छेद बना दिया था और वो हमारे पीछे हम भागने लगे थे उस कमरे के अंदर और जैसे ही हम उस कमरे के पास पहुंचे उसने दूसरी दीवार फाड़ दी अब एक तो दरवाजे वाला छेद और दूसरा उसका बनाया हुआ छेद वो अब मूर्ति को हम उसके सामने करते वो डरता बाहर भाग जाता और दूसरे रास्ते से अंदर आने की कोशिश करता हम बस उस मूर्ति को हाथों से घुमाए जा रहे थे घुमाए जा रहे थे हम बचना चाहते थे और तब उस सरपंच ने कहा था तुम तुम जाओ तुम दरवाजे के पार जाओ मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ मैं तो मैं तो वैसे भी मरने ही वाला हूँ बीमारी से तुम्हारी तो जान बच जाएगी ना मैं कोशिश करूँगा इस मूर्ति का सहारा लेकर मैं इससे बचा रहूँ और मैं यहाँ किले से बाहर निकल जाऊँगा अपने गाँव पहुँच जाऊँगा तुम्हारा पीछा ये करता रहेगा और तुम अपने समय में पहुँच जाओ फिर तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगा मैंने उसे गले से लगाया वो सरपंच अपनी कुर्बानी दे रहा था मेरे लिए और मैं भाग निकला मैं अंदर की तरफ भागा और मैंने सरपंच को बाहर की तरफ भागने को कहा अब पीछे वाले छेद से वो शैतान अंदर आ रहा था और मैं उसे अपने पीछे भगाने लगा सरपंच दरवाजे वाले रास्ते से बाहर खड़ा हो गया था मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला जिसके अंदर से रोशनी आ रही थी और मैं छलांग लगाकर उसके पार जैसे ही मैं पार पहुंचा मैं उस पेड़ के पार था वो दरवाज़ा जो सिर्फ एक दिशा में खुलता था सामने वो आदिवासी उनके पहने कपड़े देखकर मुझे बहुत खुशी हुई आसपास के वो पेड़ वो घर देखकर खुशी ये मेरा समय था मैं पहचान गया था और वो मुझे देख कहने लगे हाँ आप, आप इस दरवाजे से वो मेरे सामने झुक रहे थे वो कह रहे थे आप प्राचीन वो इंसान हैं जो इन दरवाजों का इस्तेमाल करते हैं मैं उन्हें कैसे समझाता लेकिन मैं बच गया था मैंने उनका भी धन्यवाद किया क्योंकि मदद तो उन्होंने भी की थी उनके पूर्वजों ने मुझे वो मूर्ति दी थी जिससे मैं बच पाया और इसके बाद आखिर उस सरपंच के साथ क्या हुआ था मैं वो जान नहीं पाया ये सुबह का वक्त था और मैं खुशी खुशी पुलिस स्टेशन पहुंचा था मैं वो इंसान था जो उस जंगल से बच कर आया था और मैंने ये किस्सा सबको बताया लेकिन उस समय में क्या क्या हुआ वो नहीं बताया ये बताया कि जंगल में एक किला है किले में एक दरवाजा है उस दरवाजे को कभी मत खोलना वरना गायब हो जाओगे वापस नहीं आ पाओगे मेरी बात कई लोगों ने मानी कई लोगों ने हंसी में उड़ा दी मैं दोबारा पहुंचा था उसी हवेली उस सरपंच को मिलने जो मेरे समय का था जिसने मुझे बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी थी उसके वंश को मैं देखना चाहता था वह सरपंच मुझे देखकर कर कहने लगा आप दोबारा तो नहीं जाना चाहते जंगल मैंने कहा मैं तो जाकर वापस भी आ गया और तुम यकीन नहीं करोगे मैं मिलकर किससे आया तो वो हैरान था मैं ज़िंदा कैसे हूँ और मैंने वो कहानी भी बताई मेरे साथ क्या क्या हुआ कैसे मैं तुम्हारे पूर्वज से मिलकर आया जो बीमारी से मरने वाले थे और उसने कहा वो तो मेरे परदादा थे मेरे परदादा की कहानी मैंने भी सुनी है कैसे वो इस किले में शैतान से लड़े थे बहुत पहले से शैतान यहाँ पर है मैंने उससे कहा था अगर तुम मेरी एक मदद कर पाओ मैं पीछे वाले उस गोदाम वाले कमरे को देखना चाहता हूँ क्या थी कहानी आखिर तुम्हारे परदादा ने बाद में क्या क्या लिखा वो मुझे उस गोदाम में लेकर गया वहाँ ढेर सारी चीज़ें रखी थी किले के पत्थर पुरानी चीज़ें किले में रखी हुई वो तलवारें बहुत सारी चीज़ें किले से जुड़ी वहाँ पर रखी गई थी और वहाँ मेरी पिस्टल की कुछ गोलियाँ जो शायद गिर गई थी वो भी जंग खाई हुई पुरानी उन्हें देखकर पहचान गया उनके नंबर नए थे लेकिन समय पुराना बीत कर यहाँ पर आई थी वो मैं सामने रखी उस किताब को पढ़ने लगा था और वो सरपंच वहां से जा चुका था मुझे अकेला छोड़कर उसे जरूरी काम था उस किताब को जब मैंने पढ़ना शुरू किया मेरी आंखों के सामने इतिहास घूमने लगा था ये जो दरवाज़े बनाए गए थे ना ये बहुत पहले बनाए गए थे और यहाँ इस किले में एक किताब भी रखी गई थी उस किताब में सब कुछ दर्ज था वो पुराने ज़माने का सरपंच उसने उस रात क्या, क्या क्या किया वो सब कुछ बताया जब मैं उस दरवाजे के पार चला गया था तो वो शैतान उस सरपंच का पीछा करने लगा था वो सरपंच मूर्ति दिखा दिखा कर बच रहा लेकिन पता नहीं क्या हुआ वो शैतान उसका पीछा छोड़ गया उसके बाद वो किले के अंदर भागा तब उस सरपंच को शक हुआ कि ये इतना ज्यादा डर कर क्यों भाग रहा है कहीं मैं वहाँ फंसा तो नहीं इसीलिए सरपंच वहाँ भाग कर गया था दरवाजे को देखने के लिए और सरपंच ने देखा था वो शैतान ने दरवाजा खोला था और वो भी दरवाजे को पार करके गया था उसके बाद वो सरपंच हैरान आखिर शैतान वहां से चला गया तो कहाँ गया वहाँ एक किताब रखी थी उस दरवाजे के ऊपर तब सरपंच ने उस किताब को पढ़ा और उसे पता लगा इस दरवाज़े को हज़ार जादूगरों और चुड़ैलों की शक्तियों से बनाया गया था यहाँ गांव में कई राक्षस रहा करते थे उनकी हड्डियों से इन दरवाज़ों को बनाया गया जिससे पुराने ज़माने के किसी शैतान को बुलाया जा सके ये लाखों साल पहले का एक राक्षस था जिसे समय में खींच इस तरफ लाया गया ये खुद दरवाज़ा नहीं खोल सकता किसी को उस समय में जाना पड़ेगा दरवाज़ा खोलना पड़ेगा जब दरवाज़ा खुल जाता है तो ये भी दरवाजे में सफ़र कर सकता है उस समय में जा सकता है जहाँ का आदमी वहाँ पर आया है इस तरह वो शैतान उस समय से लाया गया और उसने तबाही मचानी शुरू कर दी और उस किताब में सरपंच ने ये लिखा था लेकिन जब से वो शैतान दरवाजे के पार गया है अब कोई भी यहाँ शैतान नज़र नहीं आता किसी पर हमला नहीं करता पाँच साल बाद के आखिरी पन्ने भी उसने भर दिए थे कि शैतान दोबारा नज़र नहीं आया लेकिन गांव में वो किले का दरवाज़ा कई लोगों ने इस्तेमाल किया और वो कभी दिखे ही नहीं कहाँ चले जाते हैं पता नहीं चलता इसीलिए उस दरवाजे के इर्द गिर्द उस किले के इर्द गिर्द रास्ते को बंद कर दिया गया और कब तक बंद रखा जाएगा कोई जान नहीं सकता ये सुनकर मेरे होश उड़ गए थे और उस शाम पुलिस स्टेशन से मैं डर कर निकला था अगले दिन मुझे खबर मिली थी बहुत भयानक पांच लोग मारे गए थे उस गांव के पांच लोग मारे गए थे और उनके शरीर के चिथड़े मिले थे जो बचे वो अपने घरों से बता रहे थे उन्होंने देखा एक शैतान सा सात फुट का बड़े बड़े काले बाल उसके शरीर पर और वो नोज नोज कर उन लोगों को मार गया भाले तलवारें कुछ भी उसके शरीर को भेद नहीं पा रहे थे और वो सिर्फ खाने के लिए उन्हें नहीं मार रहा था जैसे किसी को ढूंढ रहा हो वो बार बार आंखों में देखकर किसी को ढूंढ रहा वो दरवाजों को तोड़ रहा वो दीवारों को तोड़ रहा जैसे कुछ खास ढूंढ रहा हो दिन का वक्त था और मेरे होश उड़ गए मैं जानता था जिसका वो पीछा करता है हमेशा उसे मारने की कोशिश करता ही रहता है मैं उस शैतान को उसके समय से इस समय में ले आया था एक बड़ी बला जो सौ सालों के लिए टल गई थी क्योंकि वो सौ साल आगे आ गया था अब फिर से तबाही होनी शुरू हो जाएगी और सबसे पहले तो वो मुझे ढूंढ कर मारने की कोशिश करेगा आने वाले दिनों में कई लोगों की मौतें हुई कई लोग मारे गए और मैंने अपनी ट्रांसफ़र वहाँ से दूर करवा ली उन गाँव की खबर आज भी आती है कि वहाँ लोग मारे जाते हैं पुलिस वाले आर्मी वाले वो एक काले इंसान की बात करते हैं जिसके शरीर पर बहुत बाल है वो नोच देता है सबको कई धुंधली धुंधली तस्वीरें बहुत वायरल हुई वो शैतान अब भी उन जंगलों में रहता है शिकार करता है मैं वहाँ दोबारा जाना नहीं चाहता उसे मारा कैसे जाए मैं नहीं जानता लेकिन मैं ये जानता हूँ मेरा बचना तब तक जायज़ है जब तक मैं उससे दूरी बना कर रखता हूँ मैं आपको भी आगाह करता हूँ उसे मारा नहीं जा सकता लाखों साल पुराना वो शैतान हमारे समय में आ चुका है वो क्या चाहता है वो क्यों मारता है सवाल रहस्य है भविष्य उजागर करेगा अगर आपको घर के बाहर से ये आवाज सुनाई देती है तो घर से बाहर मत निकलना